उसी शेखपुर रोड पे ये फेज 7 लॉन्च किया गया है, जिसमें रिसेंटली एक ब्लॉक सेक्टर 42 के नाम से लॉन्च हुआ है। तो ए बी सी डी जो कि ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, जो कि मेरी बैग पे देखा जा सकता है। और इसी तरह एक्सपेक्टेड है कि सेक्टर 42 अली ब्लॉक की बाउंड्री के साथ लॉन्च किया जाएगा। और इनके डेवलपर्स का भी यही कहना है कि हम फाइल्स नहीं, प्लॉट्स लें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुनील डार फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टाइटेनियम ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ लाइव विजिट अल रहमान गार्डन फेज 7, जहाँ पे रिसेंटली एक न्यू ब्लॉक लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सेक्टर 42। आइए हम चलते हैं ब्लॉक की लाइव लोकेशन के ऊपर, जहाँ पे आपको मजीद डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। रहमान गार्डन फेज 7 की अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन शरकपुर रोड पर लोकेटेड है और फैजपुर इंटरचेंज से 2 किलोमीटर दूर है। ठोकर न्याज बेग से अगर बात करूं तो वाया मोटरवे इसको 15 मिनट में एक्सेस किया जा सकता है और सगियां पुल से इसको हार्डली 20-25 मिनट्स में एक्सेस किया जा सकता है। अल रहमान गार्डन की हिस्ट्री की बात करूँ तो उन्होंने अपने सारे फेजेस सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, जिनमें फेज़ 1 जो कि मेन कैनाल रोड पर लोकेटेड है और फेज़ 2 जो कि मेन शरकपुर रोड पर लोकेटेड है। उसी शेखपुर रोड पे ये फेज 7 लॉन्च किया गया है, जिसमें रिसेंटली एक ब्लॉक सेक्टर 42 के नाम से लॉन्च हुआ है। अल रहमान गार्डन फेज 7 की अगर ब्लॉक्स की बात की जाए तो ए बी सी डी जो कि ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं, जो कि मेरी बैग पे देखा जा सकता है। इसके बाद फेज 7 में रोमन ब्लॉक लॉन्च किया गया, जिसके बाद बेवरली हिल्स, उसके बाद हैदर ब्लॉक और अली ब्लॉक जो कि ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील आई थी, उसके बाद सेक्टर 42 लॉन्च किया गया है। अल रहमान गार्डन ने हमेशा पहले डेवलपमेंट की है और फिर प्लॉट्स बेचते हैं, और इनके डेवलपर्स का भी यही कहना है कि हम फाइल्स नहीं, प्लॉट्स बेचते हैं। 3.5 मरला, 5 मरला और 10 मरला की कैटेगरी में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ कहीं भी सोसाइटी नहीं बनाएंगे, और ये एक इन कैटेगरीज में एक बेंचमार्क सेट किया गया है। सेक्टर 42 में 3.5 मरला और 5 मरला की रेजिडेंशियल कैटेगरीज अवेलेबल हैं, और अगर कमर्शियल की बात की जाए तो 4 मरला की कैटेगरी अवेलेबल है। 3.5 मरला की बुकिंग 2,85,000 और 5 मरला की बुकिंग 3,40,000 से हो रही है, जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 17,000 और 22,000 है। इसकी कमर्शियल की बात की जाए तो इसकी बुकिंग 10,90,000 और उसकी इंस्टॉलमेंट 65,000 है। सेक्टर 42 की अमेनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के स्कूल्स, हॉस्पिटल और पार्क्स दिए गए हैं। डांसिंग फाउंटेन और जू यहाँ की मेन अट्रैक्शन में शामिल है। आइए हम चलते हैं हैदर ब्लॉक और अली ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर, जहाँ से हम आपको डेवलपमेंट अपडेट्स और सेक्टर 42 की एक्सपेक्टेड लोकेशन के बारे में बताएंगे। अभी हम मौजूद हैं हैदर ब्लॉक और अली ब्लॉक की लोकेशन के ऊपर। हैदर ब्लॉक में 5 मरला और 10 मरला की ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की डील आई थी, और अली ब्लॉक में 3.5 मरला की। हैदर ब्लॉक में 5 मरला की बुकिंग 8.5 लाख, 10 मरला की बुकिंग 14 लाख और अली ब्लॉक में 3.5 मरला की बुकिंग 6,20,000 से थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी बैग पे मशीनरी और डिवेलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। और इसी तरह एक्सपेक्टेड है कि सेक्टर 42 अली ब्लॉक की बाउंड्री के साथ लॉन्च किया जाएगा। सेक्टर 42 की डिटेल्स और बुकिंग के लिए या पूरे पाकिस्तान में कहीं भी प्लॉट बुक कराने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा सेम नंबर ईमो और व्हाट्सएप पर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।